या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आदि शक्ति माता विध्वांसिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदि शक्ति विध्वांसिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती है। तीसरे दिन आदि शक्ति के चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और माँ गंगा के संगम तट पर विराजमान माँ विध्वांसिनी चंद्रघंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उसी पर ये खास रिपोर्ट है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्यंत पर्वत और पतित पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत पर विराजमान माँ विध्वांसिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में माँ को विंदुवासिनी अर्थात विध्वांसिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। जहाँ एक ओर माँ चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती है, तो वही भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकालने वाली ध्वनि से हो जाता है। माँ का षडोपचार पूजन कर मालपुआ पेठा नारियल का भोग लगाए प्रत्येक प्राणी को सदमार्ग पर प्रेरित वाली माँ चंद्रघंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान ये भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। भक्तों को हलवा पूरी का भोग माँ को अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन क्या है पूजा की विधि? जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तृतीयम चंद्र घंटे तीर्थ आया है कि पिंड जब प्रवरारूढ़ा चंड को पास त्रकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे तिविश्रुता। चंद्र घंटे तिविश्रुता भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ा ही सुंदर भगवती का स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाएं हैं। लाल वस्त्र को धारण की हुई हैं और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं वहां पर भगवती का 1650 पूजन करें और पूजन करने के बाद मालपुआ पेठा और नारियल के फल का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्र घंटायै स्वाहा इस मंत्र का 36 माला जप करें। ऐसा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज के दिन जो जातक हैं भक्त हैं उनके कुंडली में अगर शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और वह दशा खराब चल रही है, नीच की उच्चता अगर खराब चल रहा है तो वह दशा महादशा शुभ फलदायी होता है और भगवती की विशेष कृपा होती है। और आज के दिन साधक के चक्र का जागरण होता है और जितने भी भक्त हैं यदि ऐसा जप करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और खास करके आज का जो व्रत है वह सद्या फलदायी इसलिए है कि उनके घर में भूत प्रेत पिशाच बैताल बाधा उपबाधा जो भी रहता है चंद्र घंटा भगवती के स्मरण मात्र से वह समाप्त होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ चंद्र घंटा के रूप में देवी की आराधना से मणि चक्र जागृत होता है जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तित होता है। धाम में आने वाले भक्त यहाँ आकर बहुत खुश हैं। कुछ भक्त माँ के सानिध्य में रहकर सभी के सुख और विश्व कल्याण के लिए पिछले 40 सालों से नवरात्र में साधना कर रहे हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। पिछले कई सालों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली माँ ने भरती है। आने वाले भक्त मन की मुराद पूरी होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल चंद त्रिपाठी जी। और मैं वर्तमान समय में नवरात्र में विंध्यवासिनी माँ के चरणों में सन्निध होकर के मैया के उपासना के लिए और लोक कल्याण के लिए सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्ति निरामया
इसी उद्देश्य से जो है माँ का आराधना नवरात्र में 9 दिन दिन रात रह करके एकाग्र होकर के सभी भक्तों के कल्याणार्थ और विश्व के कल्याणार्थ इसी कामना से मैया की उपासना निरंतर 40 साल से हम लगातार कर रहे हैं। और जगदम्बा से प्रार्थना है नवरात्र में जो भी भक्त अपने घर पर हों या माँ के चरणों में आए हैं उनको मैया अपना सतत छाया प्रदान करके उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे और उनको शत्रुहीन करे और भय से मुक्त करे। जय माँ विंध्यवासिनी। समोगरा से आए इस समय कहाँ पे आई है? माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मंदिर में माँ के शक्ति है, माँ बहुत शक्तिमान है। हाँ करती हैं, हाँ 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 दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हाँ मोदी योगी जी बहुत अच्छा कर दिए हैं, बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के दरबार हम बहुत साल से आ रहे हैं, हमेशा आते हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा परिवर्तन। पहले गली छोटी थी, अब बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्र में 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी राजकुमार की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप कमेंट करके जरूर बताएं।